कि गले नहीं उतर रहा है, नियम 134A के तहत किया गया दाखिला। इस बारे में अभिभावक ने अपनी शिकायत अनेक उच्चाधिकारियों को भी दर्ज करवा दी है, लेकिन कैरू ब्लॉक के त्रिवेणी स्कूल ने नियम 134A के तहत किए गए दाखिले को मना कर दिया, जिससे चौथी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की का भविष्य अंधकार में लटक गया है। बीते माह शिक्षा विभाग ने गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए कट ऑफ लिस्ट जारी की थी, जिसमें हेतमपुरा निवासी राजेश की लड़की का चौथी कक्षा के लिए दाखिला सूची में नाम था, लेकिन विभाग द्वारा आवंटित किए गए त्रिवेणी स्कूल कैरू ब्लॉक ने बच्ची को चौथी कक्षा में दाखिला देने से मना कर दिया। जब भी लड़की के अभिभावक स्कूल में दाखिले के लिए जाते हैं तो वे उनसे फीस की मांग की जाती है और लड़की का दाखिला देने से भी मना कर दिया गया है। लड़की के पिता ने इस संबंध में शिक्षा विभाग व सीएम विंडो में शिकायत भी दर्ज करवाई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई न होने के कारण लड़की का भविष्य अधर में अटका हुआ है, अतः इस पर प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे। मेरी लड़की का एडमिशन 134A के तहत सन 2017 में हुआ था, जो कि शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी कैरू के ने अलॉट किया था कि वो त्रिवेणी पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भानगढ़ के नाम, और 2017 में उन्होंने मेरे से व्हीकल चार्ज लिया 2700 रुपये जो ठीक, और 2018 में उन्होंने मेरे से 8000 रुपये लिए, और 2019 का जो लाट मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं 22270 रुपये, और मैंने इस चीज़ के लिए गुहार लगाई जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी और बीओ साहब को, खंड शिक्षा अधिकारी कैरू को, और शिक्षा मंत्री को, और सीएम साहब को, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और राष्ट्रपति साहब जी को। मैंने हर जगह गुहार लगाने पर आज तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। DWO को भी मैंने गुहार लगाई, और दो दो बार मैं इनको सभी को गुहार लगा चुका हूँ। दैनिक मौलिक शिक्षा विभाग पंचकुला को भी मैं गुहार लगा चुका हूँ, शिक्षा अधिकारी को भी, और स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन को भी लगा चुका हूँ। आज तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये 2.5 महीने से ये लड़की घर पर, इसको स्कूल से निकाल दिया गया है। बाकायदा उसकी स्कूल मालिक है, जो उसका लड़का भी ऑफिस कैरू में लगा हुआ है, उनका कहना है कि हमारा ही काम है, हमारा ही स्कूल है, हमारा ही शिक्षा विभाग है। अब अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर।